बहुत बात प्रतिवाद के बाद उद्घाटन किया गया बैरामल स्थित नवोदास ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम निर्माण होला एमसीएल रो सीएसआर पैसा हर नारे नामित करची, ये एक बड़ो प्रश्नवाची। झाटसा शहर में इतना बड़ा ऑडिटोरियम बनना एक खुशी की बात है, लेकिन इस ऑडिटोरियम पर भी उठ रहे हैं कई सारे सवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा भरोसा नेचर वायरल झारसुगड़ा में। यहां पे चर्चा का विषय ये है कि जिस ऑडिटोरियम का उद्घाटन का विरोध कर विरोधी दल के नेता दो दिन पहले स्टेट सेक्रेटरी टंकादत्त त्रिपाठी ने किया था, उन्हीं के दल के बीजेपी के एमपी सुरेश पुजारी उद्घाटन समारोह में शामिल भी हुए, रिबन काट कर ऑडिटोरियम का उद्घाटन भी किए। एक तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता झारसुगड़ा के कई मुद्दों को लेकर प्रशासन और सरकार को सवाल कर रहे हैं, चाहे वो मंगल बाजार के 100-बेडेड अर्बन सीएससी को लेकर हो, या फिर हार्ट हॉस्पिटल को लेकर, जिले में बढ़ रहे पॉल्यूशन को लेकर हो, या फिर ऑडिटोरियम का नामकरण या पार्क का नामकरण को लेकर। टंकादत्त त्रिपाठी के कहने के मुताबिक ऑडिटोरियम की बिल्डिंग पूरी तरीके से एमसीएल सीएसआर के फंड से निर्मित हुआ है, जिसमें राज्य सरकार का कोई भी अनुदान नहीं है। तो फिर उसकी गाइडलाइंस को ना मानकर कैसे एक व्यक्ति के नाम पर ऑडिटोरियम का नाम रखा गया? क्या यहां पर शासक दल अपनी मनमानी कर रही है? टंकादत्त त्रिपाठी ने प्रशासन से भी जवाब मांगा है। दूसरी तरफ सुरेश पुजारी ऑडिटोरियम का उद्घाटन कर रहे हैं, जो कि झारसुगड़ा राजनीति पर एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। बीजेपी के अंदर दरार पड़ने की चर्चा पहले से हम सुनते आ रहे हैं, केवल वो बीजेपी ही नहीं, उद्घाटन समारोह में ब्रजराजनगर विधायक अलका महंती की अनुपस्थिति को लेकर भी लोगों में चर्चा हो रही है। आखिर में बीजेपी की ओर से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या वो सही है या फिर विरोधी दल केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगा हुआ है? आप हमें बताइए।